SN लाइव सच सबसे आगे। गोपालगंज में डीजे बजाने पर लगा प्रतिबंध तो बना दिया शराब तस्करी का नायाब जुगाड़। तस्करों के इस जुगाड़ से पुलिस भी हैरान। गोपालगंज में शराब तस्कर आए दिन शराब तस्करी का नायाब जुगाड़ लगाते मिल जाएंगे। ताजा मामला उचका गांव थाना क्षेत्र का है, जहां डीजे की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। दरअसल पर्व त्योहार के मौके पर शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल के मद्देनजर गोपालगंज पुलिस ने डीजे के बजाने और उसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। मतलब यह है कि अब चेहलुम, महावीर अखाड़ा, जन्माष्टमी या ऐसे किसी भी अन्य मौकों पर डीजे का उपयोग नहीं किया जाएगा। प्रतिबंध के बाद अब शराब तस्कर इसी डीजे को शराब की तस्करी में इस्तेमाल कर रहे हैं। उचका गांव पुलिस ने ऐसे ही जुगाड़ का पर्दाफाश किया है। दरअसल शराब तस्कर कई डीजे बॉक्स में भारी मात्रा में देसी शराब की तस्करी कर रहे थे। इसकी गुप्त सूचना उचका गांव पुलिस को मिली थी। उचका गांव पुलिस ने थाना क्षेत्र के पेनुला खास गांव में छापेमारी कर कई डीजे बॉक्स को जब्त किया। जब पुलिस ने जब्त इस डीजे बॉक्स की तलाशी ली तो इस बॉक्स में भारी मात्रा में देशी शराब के बरामद किए गए। जब्त देशी शराब फ्रूटी पैक में थे। गोपालगंज पुलिस शराब तस्करों के इस नए जुगाड़ को देखकर सकते में है। गोपालगंज एसपी ने भी इस हैरानी वाले शराब तस्करी जुगाड़ को देखकर सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। इस मामले में उचका गांव पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि गिरफ्तार शराब तस्कर से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा है कि जब शराब को लेकर फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की जाँच की जा रही है, जाँच के बाद शराब तस्कर से जुड़े इस गिरोह के अन्य तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल गोपालगंज में इसके पहले गैस सिलेंडर, स्टेबलाइजर और कई अन्य हैरान करने वाले जुगाड़ के माध्यम से शराब की तस्करी के मामले सामने आए थे, लेकिन डीजे की आड़ में शराब तस्करी का यह पहला मामला है। इस पूरे मामले पर गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। गोपालगंज एसएल लाइव के लिए रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शराब तस्करी को लेकर गोपालगंज पुलिस का अभियान लगातार जारी है और कल ही उचका गांव थाना अंतर्गत डीजे बॉक्स में, दो बड़े बड़े डीजे बॉक्स में बंटी बबली शराब छुपा कर ले जाया जा रहा था और पुलिस को सूचना मिली थी और कार्रवाई की गई है। दोनों डीजे बॉक्स और उसमें जो शराब मिला है 132 लीटर करीब बंटी बबली, उसको जब्त किया गया है और जो इसमें शामिल लोग हैं उनको भी चिन्हित किया गया है और उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इस तरह के कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और हम लोगों ने करीब 10 से ज़्यादा हथकंडे उसका खुलासा पिछले 6-7 महीने में किया है और शराब रिकवरी में भी गोपालगंज पुलिस ने पिछले महीने रिकॉर्ड शराब बरामद की थी। करीब 50,000 से ज़्यादा लीटर शराब बरामद किए गए थे और पुलिस पर गोली चलाने वाला जो शराब माफिया है नागेंद्र सिंह, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला का रहने वाला है, कुछ दिन पहले ही उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट